शहर के बीचों बीच आजाद बगीचा के अतिव्यस्त बाजार के रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में दोपहर तकरीबन 2 बजे पुरानी रंजिश के चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के जिलाध्यक्ष अमन अंतिवार पर दिन दहाड़े गोलीबारी की सनसनीखेज घटना से पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया है। घटना स्थल से चंद्रपुर शहर पुलिस थाना महज 500 गज दूरी पर है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही चंद्रपुर शहर पुलिस थाना की एक टीम मौके पर पहुंची और घायल अमन अंतिवार को तुरंत इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल ले जाने के बाद उसे आगे के इलाज के लिए नागपुर भेज दिया गया। इसी बीच गोलीबारी की इस घटना से शहर में दहशत फैल गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के जिला अध्यक्ष अमन अंतिवार अपने रघुवंशी कॉम्प्लेक्स स्थित जनसंपर्क कार्यालय में हमेशा की तरह आए थे। गोल्ड हेल्थ सेंटर और गोली वड़ा पाव दुकान के सामने अपने मोबाइल पर बात कर रहे थे कि तभी अमन के पीठ पीछे आए युवक ने उन पर बड़े ही शातिराना अंदाज में गोलियां बरसाई और पीछे मुड़कर बड़े ही आराम से रघुवंशी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। तुरंत गोलीबारी से बचाते हुए अमन अंतिवार जान बचाते दौड़ने लगा। पूरी गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के जिला अध्यक्ष अमन अंतिवार को गोली मारने के मामले को उस पुरानी घटना से जोड़ा जा रहा है जिसमें 2020 में बलारपुर के कोयला व्यापारी सूरज बहुरिया की भरे चौक में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमन का भाई आकाश और चिन्ना अंतिवार, अल्फ्रेड और बंटी लॉजिस्ट एंथोनी, प्रणय राजू सहकल, बादल वसंतधरी, अविनाश उमाशंकर बोबड़े सभी बलारपुर के रहने वाले थे और सभी आरोपी कोयला व्यापारी सूरज बहुरिया की हत्या में शामिल थे, जिसके बारे में कहा गया था कि यह हत्या शराब तस्करी और कोयला तस्करी के आपसी रंजिश और टकराव के कारण हुई थी। इस बीच हत्या के कुछ दिन पहले आरोपी अमन अंतिवार ने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था कि जंगल जंगल ही रहे मगर शेर बदल जाएगा, जिससे यह साफ हो गया है कि यह घटना के बाद सूरज बहुरिया की हत्या की एक सूची समझी साजिश रची थी। इस चुनौती को दूर करने के लिए सूरज बहुरिया के समर्थकों ने अमन अंतिवार के भाई आकाश उर्फ चिन्ना अंतिवार को उसके रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में गोली मारकर हत्या कर दी थी और अभी इसकी ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति होने से गैंग वॉर का साया बलारपुर और चंद्रपुर शहर में छाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के जिला अध्यक्ष अमन अंतिवार पर जानलेवा हमला पुलिस और पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन की किरकिरी बढ़ने वाला है। चंद्रपुर शहर और बलारपुर शहर में कोयला माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया बड़े पैमाने पर सक्रिय है। अपने काले धंधे की आड़ आने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह प्रशासन के अधिकारी हो या धंधे की अंदरूनी रंजिश रखने वाले हो, ये कोल माफिया किसी को भी बख्शते नहीं है। इस घटना की पूर्व भी ऐसी गोलीबारी की वारदातें जिले में नई नई थी। इनमें से न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़ी की सनसनीखेज रिपोर्ट।